दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ के, कैरियर विजन के साथ जुड़ के, मतलब अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, खुद का एक कैरियर सेंटर खोल सकते हैं जिससे 50,000 या उससे अधिक, 50,000 तो मैंने मिनिमम बताया, आप ज्यादा कमा सकते हैं। और इसकी हर जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, शुरू से लेकर अंत तक देख ले, क्योंकि आज के नागपुर जॉब वीडियो में बाकी जॉब भी है, जिसमें मातृ सेवा संघ भरड़ी में कुछ भर्तियां निकली है, फिर इंजीनियर और बैक ऑफिस से काउंटर ऑपरेटर के लिए भी नागपुर में जॉब आई है अच्छी कंपनी में। और मैं थोड़ा सा फास्ट लेके बाद में आपको कैरियर रिश्ता मिलकर आप किस तरह से 50,000 और उससे अधिक कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जॉब दोस्तों, दैनिक भास्कर ग्रुप में जो जॉब आया है उसके लिए आपको शाम को 6 से 7 बजे के बीच में जाना है, 12 बजे के बीच में शाम को। पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट है आपको इन डिजाइन आना चाहिए, फोटोशॉप आपको आना चाहिए, क्वार्क एक्सप्रेस का अगर आपने काम किया हो, आपको इसमें अगर अनुभव है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जा सकते हैं शाम 6 से 7 बजे तक दैनिक भास्कर ऑफिस में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये है इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिक के लिए, आईटीआई वाले बंदे चाहिए, और वो चाहिए अकोला के लिए। अब अकोला में रिक्वायरमेंट आई है वैशाली डीजल्स में। वैशाली डीजल्स का कॉन्टेक्ट नंबर है 9158897281, ठीक है। और इसके लिए आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे, अमरावती और यवतमाल दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट अकोला से है, उनकी खुद की कंपनी है, सॉरी उनका खुद का बिजनेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब ये था पहले आईटीआई, फिर बात करेंगे हम लोग डीटीसी कुरियर के चैनल पार्टनर, उनमें चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, मेल फीमेल एसोसिएट दोनों बिजनेस एसोसिएट करके काम कर सकते हैं, या फिर आप उनको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए फीमेल। एड्रेस आपके स्क्रीन पे है, धंतोली नागपुर में, उसके बाद गजानन मेडिकल स्टोर से झिंगाबाई टाकरे नागपुर में जो एड्रेस दिया है गीता नगर प्लाट नंबर 14, वहां पे दुकान में काम करने के लिए डी फॉर्म चाहिए। दुकान है मेडिकल स्टोर्स, और मेडिकल स्टोर्स में काम करने के लिए डी फॉर्म लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, दोनों चलेगे। आपको कॉन्टेक्ट नंबर 9326169453 पे कॉन्टेक्ट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, ये बुट्टी बोरी के लिए बात करेंगे हम लोग अभी। और बुट्टी बोरी में चाहिए उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव 3, वर्कशॉप टेक्नीशियन चाहिए 3, अकाउंट्स वाले चाहिए, स्पेयर मैनेजर चाहिए 2, कस्टमर रिलेशन मैनेजर चाहिए 1, एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी आपके स्क्रीन पे, अगर आप फ्रेशर है तो भी आप, अगर बुट्टी बोरी के है आसपास के है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। श्रीकांत इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस डिपार्टमेंट संभालने के लिए ग्रेजुएट लड़का चाहिए, जो सर्विस डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके, सुपरविजन कर सके, वो रिक्वायरमेंट आई है श्रीकांत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो है गांधी सागर सुभाष रोड दत्त मंदिर के पास नागपुर। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है ये है ई व्हीकल्स में ऑफिस काम करने के लिए लड़की चाहिए, फील्ड वर्क हेतु आईटीआई वाले लड़के चाहिए, दो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए सैलरी 8 से 10 हजार तक आपको दी जाएगी। आपको कॉन्टेक्ट करना है पार्थ ई व्हीकल्स, ई रिक्शा सेल्स एंड सर्विस, जुनापगढ़गंज कुम्हारटोली नागपुर में। कूलर की दुकान, अभी कूलर का बहुत बढ़ रहा है, और कूलर की दुकान में इलेक्ट्रिशियन चाहिए, लेबर चाहिए, पगार आपको हिसाब से मिलेगा, और ये रिक्वायरमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो है गवर्नर लेआउट रिंग रोड नागपुर में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, प्रिंटिंग और प्रेस कार्गरेशन बॉक्स बनाने वाले के लिए चाहिए अकाउंट असिस्टेंट, सुपरवाइजर चाहिए वहां पे, हेल्पर चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिशियन चाहिए, और ये है पशुपतिनाथ इंटरप्राइजेज, जो है चिकले लेआउट कलमना रोड नागपुर में। काफी अच्छे रिक्वायरमेंट है जिसमें लिए अकाउंटेंट असिस्टेंट चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, हेल्पर चाहिए। अगर आप 10वीं बार पास है तो आप हेल्पर के लिए जा सकते हैं, फेल है तो हेल्पर के लिए जा सकते हैं, सुपरवाइजर के लिए मिनिमम ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन चाहिए आईटीआई वाले। सो आप अप्लाई करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। उसके बाद न्यू दिल्ली सिक्योरिटी सर्विसेज है मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में सदर नागपुर में, जिनको चाहिए अकाउंट ऑफिसर, पेरोल एग्जीक्यूटिव एचआर वाले चाहिए, एचआर एग्जीक्यूटिव चाहिए, एडमिन एग्जीक्यूटिव चाहिए, फील्ड ऑफिसर चाहिए, फील्ड मैनेजर के साथ में उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी चाहिए। आपको जाना है 8 लॉबी फ्लोर मंगलवारी कॉम्प्लेक्स सदर नागपुर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सतनाम कूलर्स है, और इसमें भी इलेक्ट्रिशियन चाहिए, जिसको 12 से 15 हजार तक सैलरी देने के लिए तैयार है सतनाम कूलर, और ये रिक्वायरमेंट है हसन बाग रोड नमना मारुति रोड नागपुर से। बात करेंगे डिजाइनर की, ग्राफिक डिजाइनर की बात करेंगे, जिसके लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वाले अगर बंदे हैं, एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस, कंटेंट राइटर चाहिए इंग्लिश मराठी के बारे लिखने के लिए, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, और एक ऑफिस बॉय चाहिए 10वीं या फिर 12वीं वाला, और आपको कॉन्टेक्ट करना है गिवन नंबर पे, और मेल आप कर सकते हैं manoj@icitmedia.in पे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीय स्कूल है यवतमाल में, और इसके लिए टीचर्स का रिक्वायरमेंट है आपके स्क्रीन पे है, प्राथमिक टीचर, परिचारिका, नर्स है, कला परिचारिका, आर्ट टीचर है,
पीजीटी टीजीटी टीचर से सभी सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे आपको 11 मार्च को जाना है 11 बजे से, और पूरा डिटेल आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। पूरा प्रति माह और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के, तीन रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तीन रिक्वायरमेंट है, बैक ऑफिस असिस्टेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट है, और ये है दोस्तों रिक्वायरमेंट है सेंट्रल इंडिया स्किल से, प्लॉट नंबर 32, स्वर्ण लघु उद्योग योजना, और ये है एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया नागपुर में। वहां जाके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू 27 फरवरी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर चाहिए, जिसको नेसेसरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर सुधीर भावे, फिफ्थ फ्लोर मिडा साइट, अपोजिट तरुण भारत रामदास पेट नागपुर में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है मातृ सेवा संघ सीतावर्डी नागपुर में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बीकॉम यूमकॉम विद कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन चाहिए, जिसके लिए ग्रेजुएट या रिटायरमेंट वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगा। एडमिन ऑफिसर चाहिए, एडमिन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपलसरी है। टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए, जिसके लिए ग्रेजुएट और स्किल चाहिए इंग्लिश हिंदी और मराठी में बात करने का। आप लोग बायोडाटा के साथ में अप्लाई करना है 2 मार्च तक, 4 बजे तक आपको डायरेक्ट जाना है सेक्रेटरी मातृ सेवा संघ सीतावर्डी नागपुर के ऑफिस में, और ऑनलाइन अपलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कैरियर विजन के साथ मिलकर आप किस तरह से 50,000 और उसके ऊपर कमा सकते हैं। आप मेरे वर्ड्स एक एक ध्यान से सुनिए और देखिए भी, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। पहले सबसे बात करेंगे कि ये किस चीज के लिए, ये है कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार केंद्र आप खोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप ये किस तरह से खोल सकते हैं और क्या इसका डिटेल है, पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा थोड़ी सी, और बाकी डिटेल हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा इससे किस तरह से कमा सकते हैं। आपको कंपनी या ऑफिसेस तथा स्कूल्स अन्य संगठन द्वारा निकाली हुई भर्तियां की जानकारी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। अब ये कैसा होगा कि आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐड आते हैं, ऐसे इतने सारे ऐड से कि मैं डेली दे नहीं पाता हूँ। बहुत सारे ऐड है क्योंकि मेरा खुद का भी एक जॉब चलता रहता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि हम लोग एक नागपुर में भी बड़ा ऑफिस खोलने वाले हैं और बाकी पैन इंडिया में भी ऑफिस खोलने वाले हैं। उसमें जितनी भी जगह निकलती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और उसे किस तरह से कमा सकते हैं मैं आप बताता हूँ आपको आगे में। आपको एक छोटा सा ऑफिस खोलना है या फिर आप घर से भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। घर में अगर आप कंफर्टेबल है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं है घर में, तो आप घर से भी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट को जानकारी देना है और उनसे आप उचित फीस भी ले सकते हो। फीस किस तरह से लेना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। फिर हम लोग आते हैं कि इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद क्या करना है, उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं और उसके लिए आप फीस भी ले सकते हैं। मतलब हम लोग कैरियर मार्गदर्शन 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना है उसके लिए डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों सही और फेक जॉब क्या होता है, कैसे ढूंढे और कैसे ढूंढना पड़ता है, उसके सीक्रेट्स आपको बता दिया जाएगी। और इंटरव्यू में कैसे पास होना है, अगर कौन सी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू है तो उसके लिए आपका क्या बायोडाटा चाहिए, किस तरह से आपको लेके जाना, आपका रिज्यूम कैसा चाहिए, कैसा इंटरव्यू देना है, ये भी आपको बताना हम लोग आपको बताएंगे। और इसके लिए भी आप अपने कैंडिडेट से फीस चार्ज कर दे। पहले पेज के बारे में बता दूं दोस्तों, ये जो हम लोग बिजनेस के बारे में बात करें या फ्रेंचाइजी हम लोग देने वाले आपको, उसका कैरियर मार्गदर्शन रोजगार केंद्र से रहेगा। लेकिन आप हमको पता चल रहा है कि आप इसमें अगर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसे तरह से पैसा कमा रहे, तो हम आपसे फ्रेंचाइजी वापस ले सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि डेली आप देखो मेरे यूट्यूब चैनल हर कोई नहीं देख पाता, हर आदमी के पास नहीं जाता, चाहे अगर वो एक्सपीरियंस वाला 2 या 3 4 साल का या 5 साल का, तो उसको वो कोई प्लेसमेंट में जाएगा या कई केंद्र में जाएगा, वहां से जॉब लेगा। आप हम लोग क्या करेंगे, आपको आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको हम लोग ढेर सारी जानकारी भेजेंगे, ठीक है, जो यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगी, ऐसी जानकारी आपके पास भेजेंगे कि भाई ये यहाँ यहाँ जॉब है। आप मान लीजिए अगर भंडारा में फ्रेंचाइज ले रहे, नागपुर ले रहे, वर्धा ले रहे, तो वर्धा की कैंडिडेट को आप हमारे पास भेज सकते, या हम लोग आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वहां आप डायरेक्ट कैंडिडेट को भेज सकते हैं, उससे जो भी चार्ज करो। जनरल क्या होता है कि बहुत सारे प्लेसमेंट 1 मंथ चार्ज करते, कोई ज्यादा करता, कोई उसको देना है इसको देना करके ज्यादा चार्ज करता, वो उनके उनके डिपेंड है। आप अपने हिसाब से एक 1 मंथ सैलरी या आधा मंथ भी आप वहां पे ले सकते हैं उनसे। मान लीजिए 1 महीने में आपने अगर 6 या 10 लोगों को भी लगाया, तो 10 लोगों को आप अगर लगाओगे तो किसी को 6,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 सैलरी पे अगर आपने लगा दिया, एक एवरेज भी अगर मैंने पकड़ा तो कैंडिडेट से आपने अगर 10,000 भी ले लिया, तो 10 कैंडिडेट से आप 1 लाख रुपीज भी 1 महीने में कमा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बात होगी। दूसरी कारण से कि हम लोग यहाँ से जो आपको जॉब भेजेंगे कैंडिडेट, कैसा होता है कि नागपुर में वर्धा के नहीं आते, रायपुर के नहीं आते, चंद्रपुर के नहीं आते, उनको वही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहां पे अगर हमने हमारा अगर किसी ने ऑफिस लिया, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट आई है, आप भेजो वहां पे, और ये चार्ज है, वो चार्ज में से आधा चार्ज आपको मिल जाएगा, आधा हम लोग रख लेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आ जाएगी।
यह होता तरीका, इसमें आपको जेन्युइन काम करना है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट को आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, उसका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि हमने एक पब्लिशिंग हाउस के इनका भी एक लिया है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसमें आपको स्कूल में जाके कैरियर गाइडेंस भी चला रहा है, उसके लिए आप अपना चार्ज कर सकते हो। कैरियर गाइडेंस किस तरह से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। एक पर्टिकुलर फीस आपको देते बच्चे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को आपको ये भी बताना है कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन से स्कूल में नहीं लेना है, क्या आपकी फीस टेक्निक है, किस हिसाब से आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे का कैरियर क्या होता है, इसके बारे में भी आप कैंडिडेट को ये बता सकते कि भाई ये जॉब फेक है। अब बहुत सारे लोग ना कहीं भी अप्लाई करते, कोई भी जॉब निकला तो तुरंत डाल देते, फिर उनको पैसा पे करना पड़ता है अलग से, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसके ऊपर आपको इमेजेस या बताया। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर में अगर आप सब्सक्रिप्शन किया है आपने या देखा है, फॉलो किया है, तो उसमें आपको ऐसी न्यूज बहुत मिलेगी जो मैं वहां पे देते रहता हूँ। सो ये सब जानकारी आपको पूरा दे जाएंगी। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको नागपुर ऑफिस में, या फिर आप अगर एमपी में इंदौर में है तो वहां पे हम लोग ऑफिस में आके आपको ट्रेनिंग दे देंगे। वहां पे भी हम लोग एक आध होटल या हॉल बुक करेंगे। इसके साथ क्या होगा, हम लोग ये देंगे तो आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, एग्रीमेंट आपके साथ बाकायदा साइन किया जाएगा। और उसके बाद आपको इसका जो खर्च होगा, ये सिर्फ वन टाइम खर्च है फ्रेंचाइजी, ये 30,000 बहुत कम ले रहा हूं मैं, क्योंकि अभी सबके पास प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या रहेगा कि इंक्लूडिंग 2 मंथ का आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा। आपका ऑफिस सेटअप हम लोग वहां पे आके कर देंगे, किस तरह से आपको बैनर लगाना है, एक दो महीने हम आपको न्यूज़पेपर में आपका देंगे, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपका नाम आएगा, आपका ऑफिस का डिटेल रहेगा। हम लोग बोलेंगे कि चंद्रगुरु में अगर कोई ये जगह निकली है तो वहां पे हमारा ऑफिस है, आप वहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्ट तो बंदा आपके पास आ जाएगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसका इंक्लूडिंग चार्ज 30,000 है, 2 महीने निकला, उसके बाद आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है अप्लीकेशन, हम लोग अभी कहाँ कहाँ से ले रहे, भंडारा, गोंदिया, तुमसर, तिरोड़ा, वर्धा, सावनेर, कलमेश्वर, नागपुर, काटोल, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बाकी तहसील पे। साथ ही साथ हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऑफिस खोलना चाहते हैं। अपना एक आप खुद एक इंडिपेंडेंट बन सकते हो, कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपके पास ढेर सारे लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही आपका हमेशा आगे आ जाएगा। और अभी कैसा होगा कि कैरियर इंडस्ट्री में बहुत बूम आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसको स्लो करके रखा था, अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारी स्कीम और लाके आप सेमी स्किल का वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, लोगों को स्किल भी आप बता सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको क्या करना है कि आपका पूरा डिटेल, जैसा फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्वालिफिकेशन, एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से करना चाहोगे, आपको 7 मार्च के पहले ये भेजना है। और ईमेल आईडी schoolvision11@gmail.com, इसमें आपको डिटेल भेजना अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एक सेंटर पे जैसा तहसील प्लेस पे एक ही रहेगा हमारा सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हो सकता है कि हम लोग 2 खोले, उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा कचरा नहीं कर सकते सिस्टमेटिक से चल जाए तो। और इसका ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा 15 मार्च को, 15 मार्च तक 9 से 10 से लेके 15 मार्च के बीच में अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप अप्रैल 1 से आप अपना ऑफिस, या 16 मार्च से भी आज अपना ऑफिस खोल सकते हैं। आपको 16 मार्च 2 महीने तक तो आपको हम लोग ही खुद जॉब देंगे यहाँ से, आपको सिर्फ वहां से कैंडिडेट इकट्ठा करके हमारे पास भेजना है, तो वैसे ही आपको टेंशन नहीं है 2 महीने का, वो बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा होगा, चाहे वो एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र विदर्भ नागपुर एरिया में। सो तुरंत आइए, तुरंत भर दीजिए और तुरंत आप मेल कर दीजिए पूरे डिटेल के साथ में अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और कुछ अगर दिक्कत है तो आप मेल में लिख सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। सो ये डिटेल है आज के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसी जॉब और ऐसी ट्रेनिंग आपके पास आती रहेगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।